हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 12 का जो सिक्स चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो हम पढ़ रहे हैं। हमने अपने लास्ट वाली वीडियोस में डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, उसके बाद हमने सेंट्रल डॉगमा को भी एक सेपरेट वीडियो में देखा था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन या आरएनए ऐसा और कोई नहीं है। ओके, सो इसमें क्या हुआ, देखिए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज 1952 प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इन्होंने कब प्रूव किया, 1952 में। तो और इसके बाद इन्होंने यूज क्या किया था, दे यूज बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस यूज किए थे। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। ओके, तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज वायरस लिए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक एक बैक्टीरियोफेज वायरस में सल्फर यूज किया, सल्फर को क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था, और दूसरे बैक्टीरियोफेज वायरस में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंजेक्ट किया था। उसके बाद फिर इन्होंने, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे क्या है, हर्शे चेज इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस इंटू फेज डीएनए इन ए फेज कल्चर एंड सल्फर इंटू प्रोटीन। ठीक है, तो ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस और सल्फर यूज किया। तो इन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर ही क्यों यूज किया, इसका कारण ये है कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एज ए फॉस्फोरिक एसिड। और हमें ये भी पता है कि जो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस यूज किया। और फॉस्फोरस में भी इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप 32P फॉस्फोरस यूज किया था। ओके, और इन्होंने सल्फर भी 35S सल्फर यूज किया था प्रोटीन्स में। ठीक है, तो हम इन दोनों आइसोटोप को क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का पार्ट है और जो सल्फर है वो प्रोटीन का पार्ट है। और हमें यह भी पता है कि जो वायरस होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो डीएनए या आरएनए एक प्रेजेंट होता है या तो उसमें, और उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, दीस फेज टाइप्स वर यूज्ड टू इन्फेक्ट दी बैक्टीरियम इकोलाई। ओके, तो ये जो दोनों फेज कल्चर तैयार हुए थे, एक एक जो मतलब फॉस्फोरस जो फेज डीएनए में गया था और सल्फर इंटू प्रोटीन, ये दोनों फेज कल्चर को क्या किया गया, इन्फेक्ट करवाया गया किसमें, बैक्टीरियम इकोलाई में। ठीक है, जो बैक्टीरिया इकोलाई है उसको उसमें उसको इन्फेक्ट करवाया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इकोलाई बैक्टीरिया को दोनों फेज कल्चर से इन्फेक्ट करवाया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो जो जिस डीएनए में इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज़ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है, जिसको हमने फॉस्फोरस से लेबल किया था रेडियो एक्टिव डीएनए, वही क्या हुआ, वही ट्रांसफर हुआ। ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ कहाँ से, ट्रांसफर हुआ बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ। इट मीन्स दैट कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो यहाँ पे देखिए फिगर में आप ये देखिए कि जो रेडियो एक्टिव 35S लेबलेट प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव P32 जो फॉस्फोरस है लेबलेट डीएनए है। ठीक है, इन दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस से ये दो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, वैसे ये भी क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। तो दोनों इकोलाई बैक्टीरिया को इन दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस से क्या करवाया गया, इन्फेक्ट करवाया गया, इन्फेक्शन करवाया गया।
उसके बाद क्या किया गया, सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग की गई और लास्ट में क्या गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या देखते हैं कि नो रेडियोएक्टिव 35S इन सेल्स बट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम में रहते हैं पर कोई भी रेडियोएक्टिव 35S जो है सल्फर है वो सेल में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रेडियोएक्टिव 32P इन सेल्स बट नॉट इन मीडियम, मीडियम में नहीं रहता है और किसमें, सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेल में प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपना जो ये जो लेबलेड फॉस्फोरस लेबलेड डीएनए था इसको ट्रांसफर किया, कहाँ ट्रांसफर किया, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल इसमें ट्रांसफर किया, और यहाँ पे प्रोटीन था, सल्फर जो थी वो प्रोटीन थी, तो प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोटीन ने ट्रांसफर नहीं किया, इट मीन्स दैट कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और यहाँ पे डीएनए ने ट्रांसफर किया, इट मीन्स दैट कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे और भी साइंस और मैथ के वीडियोज हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक